हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज बताता हूँ बहुत अच्छी सी अरहर की खिचड़ी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त। जब घर में थोड़ा सा काम रहता है तो आदमी हल्का फुल्का खा करके जल्दी से पक जाए, काम कर लेता है, तो इसीलिए अरहर की खिचड़ी बनाई है। बहुत अच्छी बनी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे बनती है दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे बनाता हूँ। बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने ली अरहर की दाल, धो लिया है कायदे से, चावल लिया है इसको कायदे से धो लिया है, प्याज है जो मैंने काट ली है, ज़ीरा है, ये कुछ पाउडर मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है, पाउडर है, नमक है और खड़ा मसाला है, तेज़पत्ता है, जायफल का छोटा टुकड़ा है, दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, लौंग है, देसी घी है, और ये मैंने जो है लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। अब दिखाते हैं किस तरह बनाते हैं। ऑयल मैंने गरम कर रखा है, पहले से मैंने ऑयल गरम कर रखा है। अब देखिए इसमें ज़ीरा डालते हैं, ये ज़ीरा गया, और उसके बाद इसमें जो मैंने प्याज काट रखी है ये डालते हैं। ये देखिए शामिल किया है मैंने प्याज इसमें। अब इसको जो है थोड़ा सा पका लेते हैं, गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेहतरीन तरीके से हो रही है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब देखिए इसमें थोड़ी प्याज मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि प्याज कब इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है। ये देखिए आप निकाल ली। अब इसमें जो मैं अदरक और लहसुन पीस रखा था, कद्दूकस कर रखा था, वो मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखिए अदरक लहसुन गया इसमें। आ हा हा क्या बात है भाई, ज़बरदस्त तरीके से ये पक गया। अब देखिए इसमें पाउडर मसाले और खड़े मसाले दोनों गए। ये देखिए मैंने शामिल कर दिया इसको इसमें। ये देखिए आप देखिए, थोड़ा सा पानी डालता हूँ, बहुत ज़रा सा बस। ये देखिए आप बस एक मिनट ये भून जाए, बस भून जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें दाल डाल दें। दाल मैंने थोड़ी सी पहले आधा घंटा पहले भिगो रखी थी, दाल डाल देता हूँ, मिक्स करता हूँ। उसके बाद फिर इसमें चावल शामिल कर दे रहा हूँ, चावल डाल दे रहा हूँ इसमें। देखिए आप ये देखिए चावल गए, अच्छे से मिला करके इसको, अब पानी डाल के एक विसिल आने के बाद कुकर वो स्लो कर देंगे, चूल्हे को स्लो कर देंगे। एक विसिल आने के बाद देखिए अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें पानी डालते हैं, ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, बहुत अच्छे कलर भी इसमें आ रहा है, पक जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़बरदस्त खिचड़ी बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए आप बेहतरीन खिचड़ी, देखिए खोल के देखता हूँ, बहुत अच्छे से खोल रहा हूँ, देखिए इसको आप क्या बेहतरीन तरीके से गल गई है, वाह मज़ा आ गया देखी करके। देखिए कितनी अच्छी गली है, पकी है बहुत अच्छी। अब इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है, बन गया। अब इसके बाद देखिए मैं इसमें देसी घी डालता हूँ, क्या बात है भाई, देसी घी, आह हा, बहुत अच्छा देसी घी, ज़बरदस्त। उसका जो मैंने प्याज निकाल ली थी आपको बताया था ना, वो देखिए मैं प्याज इसमें डालता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मज़ा आ जाएगा भाई खाने में इसको, और उसके बाद अचार के साथ इसको खाता हूँ। और प्लीज़ रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।